आज झोपडपट्टींच्या जे न्याय हक्कासाठी आणि स्वप्नातील घर मिळण्याकरिता आज आमचे जिल्हा प्रमुख सन्माननीय चौगुले साहेब हे बेमुदत आमरण उपोषणावरती बसलेले आहेत। तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सन्माननीय सुरेशजी कुलकर्णी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पूर्ण तुरुबय वासिया आज बंद पुकारलेला आहे। तर त्यांना आम्ही पाठिंबा देत आहोत की ज्या पद्धतीने आम्हाला झोपडपट्टीवासियांना स्वप्नातील घर मिळावे त्यामुळे आम्ही त्यांना पाठिंबा देतो। मैं सर्वप्रथम तुरुबय स्टोर में सभी जगह पे और अरोली से लेकर के तुरुबय विभाग तक पूरा ये कड़कड़ बंद किया गया है और सन्माननीय सुरेश जी कुलकर्णी के नेतृत्व में ये फैसला इस झोपड़पट्टी में लिया गया है। और विजय चौगले साहब जो झोपड़पट्टी वासियों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज उनका हम लोग पाठिंबा देने के लिए खड़े हैं कि झोपड़पट्टियों का भी विकास होना चाहिए। और जो विषय को उन्होंने लेकर के तैयारी किया है कि 2007 में जो सर्वेक्षण हुआ था और आज 25 साल हो गया है अभी तक जो है फिर वापस महानगर पालिका या कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, तो लोग के बच्चे जो है बढ़ करके आज 25 साल के हो गए और आज घर से दो दो माला लोगों ने बनाया है, तो झोपड़पट्टी वासियों को कहीं न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना हुआ था और हम लोग प्रवेश को सभी नागरिकों की तरफ से हम लोगों का प्रतिभा दे रहे हैं। खरंच त्यांचा कौतुक करण्यासारखं आहे। आज या झोपडपट्टीत गेल्या आता 50 वर्षापासून आम्ही झोपडपट्टीत ऐकतोय SRI योजना लागू होणार आहे। आज कुठंतरी आदरणीय मुख्यमंत्रीच्या माध्यमातून SRI योजना लागू झालंय त्या ठिकाणी काही लोकांनी की त्या ठिकाणी सर्वे होत असताना बायोमेट्रिक सर्वे होत असताना त्या ठिकाणी सर्वे बंद केलेले की सर्वे बंद केले आज त्या माध्यमातून आज आदरणीय आमच्या जिल्हा प्रमुख साहेबांनी आज आज त्या लोकांना घर कशाला नको। आज त्या ठिकाणी आज फॅमिली आता 50 वर्ष झाले त्या ठिकाणी काहीतरी लागेल मला